अगर आपको कीबोर्ड्स में स्ट्रिंग्स का टोन बजाना पसंद है, आपको स्ट्रिंग्स का टोन अच्छा लगता है, तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको कैसियो के दो कीबोर्ड, कैसियो CTK 2550 और कैसियो CTX 870 इन में प्योर स्ट्रिंग्स का टोन बजा के सुनाता हूँ। वैसे स्ट्रिंग्स की कैटेगरीज मिल जाती है इन कीबोर्ड्स में, बहुत ढेर सारे टोन्स मिल जाएंगे स्ट्रिंग कैटेगरी में, लेकिन मैं आपको पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स का टोन सुनाता हूँ। इस कीबोर्ड CTK 2550 में आपको पर्टिकुलर स्ट्रिंग का टोन मिल जाएगा 101 पे। मैंने अपने कीबोर्ड में लगा लिया है, 101 पे स्ट्रिंग लिख के आ रहा है। और इस कीबोर्ड कैसियो CTX 870 में प्योर स्ट्रिंग का टोन आपको मिल जाएगा 187 नंबर पे, वो भी मैंने लगा लिया है डिस्प्ले पे, 187 स्ट्रिंग लिख के आ रहा है। नंबर मैं आपको फिर से बता दूं, इसमें 101 नंबर पे, इसमें 187 नंबर पे। आइए मैं आपको दोनों का इंडिविजुअली साउंड सुनाता हूँ। सबसे पहले CTK 2550 में स्ट्रिंग का साउंड सुनिए कैसा साउंड करता है। कुछ इस प्रकार का स्ट्रिंग का साउंड निकलता है CTK 2550 में। अब मैं आपको CTX 870 का सुनाता हूँ। मैंने इसका टच सेंसिटिविटी ऑफ कर लिया है, नहीं तो इसका साउंड जो निकलता है कम निकलता है। उसमें आप जितना प्रेशर लगाएंगे, उंगलियों से जितना फोर्स लगाएंगे, उस हिसाब से साउंड निकलता है, लेकिन मैंने इसको ऑफ कर लिया है। अब चलिए इसका साउंड सुनते हैं प्योर स्ट्रिंग का, 187 नंबर का। कुछ इस प्रकार से स्ट्रिंग का टोन निकलता है अपने कैसियो CTX 870 में। दोनों के साउंड में डिफरेंस तो आपको सुनने को मिलेगा भाई, लेकिन आप जो सुनेंगे आपको वही अच्छा लगेगा। अगर इसका सुनेंगे तो इसका भी बहुत अच्छा लगेगा, इसका सिर्फ सुनेंगे तो इसका भी बहुत अच्छा लगेगा। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि हाँ, इसका थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसका थोड़ा सा इससे कम अच्छा लग रहा है। आपको ये टोन कैसा लगा, किस कीबोर्ड में अच्छा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।